परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 12वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सततयुक्ताय भक्ता स्वां प्रयुपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेत्तनाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययोक्ता उपासते श्रद्धया परलोकेता ते मे युक्ततमामत। ये चाक्षरमनिर्देश्य मद्यक्तं पायुपासते सर्वत्र गमकिञ्च कूटस्थमजलं ध्रुवम्
सन्नियन्द्रियग्राम सर्वत्र समबोद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरता क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तते तेषाम् अव्यक्ता हि गते दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संज्ञस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते एषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न पिरापाथ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधस्य मयि बोधं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन चतो मामेच्छासं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमासोऽपि मत्कर्म परमो भव मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमासोऽपि मत्कर्म परमो भव मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण
तो मन की बहुत सुनाई है, फिर भी सुना दूंगा, पर थोड़ी सी आप अपने मन की न करे। जैसे मेरी मन की बात सुनते हैं तो वो ही आप करे, अपने मन की न करे, ठीक हो जाएगा। हम मन को बदलना चाहते हैं, क्रियाओं को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, ये सब बदलना चाहते हैं, पर अपने को बदलना नहीं चाहते। ये बहुत यहाँ गलती हो रही है। आप अपने को बदलते तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, संसार, व्यवहार सब बदल जाएगा। बहुत सुगम बात है, परंतु कैसे कहे ये उसमें अटकल याद नहीं, किस तरह से कहा जाए, ये विद्या हमारे को आई नहीं है। तो फिर कैसे बैठ गए कहने के लिए, जब कहना दिया तो क्यों बैठा, नहीं आओ काम शुरू क्यों कर दिया। तो अपनी दृष्टि से मैं कहना नहीं जानता ये नहीं कहता हूँ, उसमें चाहता है कि मेरे कहना आता है, परंतु परिणाम देखता हूँ तो कहता है कि मेरे कहना नहीं आता। अगर कहना आते तो आप बदल जाते सब, तो आप नहीं बदलते हैं, तो इससे सिद्ध ये होता है कि हमें कहना आता नहीं। मैं सरलता ऐसा नहीं मानता हूँ, बिल्कुल अयोग्य हूँ, कहना लाइन नहीं जानता हूँ, इतना नहीं मानता हूँ, परंतु परिणाम देखता हूँ तो ये मानना ही पड़ता है, कान पकड़ मानना पड़ता है। क्या ठीक है कि नहीं आप सब? एक बात कह रहा आपसे, खूब ध्यान दे आप लोग, और उसमें शंका वो जिसने आप करे, अब मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, व्यवहार इसको तो बदलना चाहते हैं, अपने को बदलना नहीं चाहते। अगर अपने को बदल रहे तो ये सब बदल जाएगा। तो अपने को बदलना नहीं चाहते ये नहीं है, अपने को हम कैसे बदले ये अटकल आपको आई नहीं। क्षमा करना भाई, किसी की भी कमी बताना दोष है, परंतु अब आगे बता दी। तो अपने को बदलना क्या है कि जैसे आपकी कन्या कन्यादान करने के बाद कन्या अपने को बदल देती है कि मैं विवाहित हूँ, उस घर की हूँ, अब इस घर की नहीं हूँ। इतनी विद्या और लंबी सोची नहीं है, मैं संसार और शरीर का नहीं हूँ और परमात्मा का हूँ, ये अपने को बदलना। शरीर और संसार का मैं नहीं हूँ, क्यों? शरीर और संसार मिला है और अलग होने वाला है, सच्ची बात, सच्ची बात है। शरीर भी मिला है माँ के पेट में बना है, और ये संसार भी मिला है, भाई बंधु कुटुम्बी मकान जमीन रुपये पैसे जो कुछ मिली हुई है, और ये सब बिछड़ने वाली है, शरीर भी छूटने वाला है, ये संबंध भी छूटने वाला है, तो ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं था और नहीं रहेगा और अभी भी नहीं नहीं जा रहा है, हमारा नहीं है, हम इनके नहीं है। परमात्मा पहले हमारे थे, फिर भी हमारे रहेंगे, अब भी हमारे से अलग नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इतना नहीं है, भगवान अलग हमारे से हो सकते नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा में हमारे सर्वथा अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है, और शरीर और संसार के साथ आप रह जाए ये आप में सामर्थ्य नहीं है।
है तो बताओ, आपके सामर्थ्य बताओ। कम सही के साथ रह सकते हैं, सही हमारे साथ रह सकता है, ऐसी सामर्थ्य है? नहीं है तो मन से फिर शरीर हमारा सदा बना रहे यू क्यों रखते हो? चाहे तो बना रख लो और चाहे सदा नहीं बढ़ते इसकी आशा छोड़ दो, दो में से एक कर लो। भी रख नहीं सकते हम इसको, सदा तो नहीं रख सकते। निगाह प्रबंध करो, खाना पीना करो, कपड़ा दो, रोटी दो, आराम दो, कोई बाधा नहीं है। कम से कम सदा ये साथ रहने वाला नहीं है, सदा साथ रह सकता नहीं है, इस बात को दृढ़ता से मान लो। जैसे अतिथि आया उसके सत्कार किया, जो उसका भी सत्कार कर दो, अन्न जल दे दो, आराम दे दो। पर ये हमारा नहीं है, हम इनके साथ रहने वाला नहीं, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं, तो ये हमारा नहीं है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। ये हमारे को बदलना, अपने को बदलना, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, ये सच्ची बात है। और शरीर और संसार का मैं नहीं हूँ, शरीर और संसार मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन पर हमारा बस चलता नहीं है। तो भगवान पर चलता है क्या बस? भगवान पर भी नहीं चलता, पर भगवान छूट नहीं सकते, वे छोड़ नहीं सकते, तब क्या करें? बस तो भगवान पर भी नहीं चलता, और वो चलेगा भी नहीं कभी। परंतु तो शरीर के साथ संबंध है ये बिल्कुल फालतू, इसके ऊपर हमारा संबंध, हमारा विचार नहीं चलता। संसार के साथ, कुटुंब के साथ हमारा अपनापन चलता नहीं, ये वो तो शंका कर दो। बोलो, हमारा आधिपत्य चलता है क्या? चल सकता है क्या? तो चल सकता नहीं तो इसको अपना नहीं माने। और एक बात दूसरी और है, अपना होता है वो ही अपने काम आता है, जो अपना नहीं होता अपने काम नहीं आता। दूसरी बात, तो अपने क्या काम आओगे? शरीर, इंद्रियां और संसार अपने काम नहीं आता है। शरीर के संसार भी रुपये पैसे कपड़े आदि काम आते हैं, क्योंकि शरीर के साथ इनका एक संबंध है। जो अपना होता है वो अपने काम आता है, शरीर के साथ संबंध है वो शरीर के काम आता है। हमारा संबंध प्रभु के साथ है तो हमारे प्रभु काम आवेंगे, क्यों? प्रभु हमारे से अलग हो नहीं सकते, हम प्रभु से अलग हो नहीं सकते। यार अपना है वो ही अंत में काम आवेगा, अपना नहीं है वो सदा काम नहीं आवेगा। वर्तमान में भी किसी किसी अंश में काम आता है, किसी अंश में नहीं आता है। तो किसी अंश में काम आता है वो आने वाला है, वही आता है, आपकी मर्जी से आपको उसमें नहीं आता है। इसमें शंका हो बोलो, तो हमारा शरीर और संसार नहीं है, शरीर और संसार हमारा नहीं है। मानो कभी उठ में बैठे खुशियां बैठे हैं, खुशियां लेट है, खुशियां स्वतंत्र हमारी चलती है, किसी अंश में चलती है, वह चलने वाली ही चलती है, अपना अंश नहीं, अपने तरफ से नहीं चलती है, पर देखने में ऐसा आता है। हम बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, हम समर्थ हैं। परंतु शरीर को जैसा बनाना चाहता वैसा बना नहीं सकते, जैसा रखना चाहते वैसा नहीं रख सकते, जितना दिन रखना चाहते नहीं रख सकते, इसमें हमारे बस नहीं चलते। तो बस में कितना चलता है? हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, सत्य भी बोल सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा काम करें, बुरा काम न करें, ये स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें तो काम बढ़ जाएगा।
एक तो नहीं करना चाहिए वो न करे, एक नहीं कर सकते उसे करने की न सोचे। दो बात है, सिर्फ दो बात। नहीं करना चाहिए वो न करे, और नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए बस। क्यों नहीं कर सकते तो उसकी आशा ही छोड़ देनी चाहिए, कर सकते ही नहीं भाई तो भी क्यों करे। नहीं करना चाहिए वो नहीं करे, और नहीं कर सकते वो करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी। तो नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए वो छोड़ दें भाई, और कर सकते हैं वो करें, और करना चाहिए वो करें, करना चाहिए वो करें, कर सकते हैं वो करें। इसका नाम है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द है ना ये, इस तरफ पहले ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान नहीं गया था तो कुछ मालूम होता कि कर्तव्य का पालन करना कठिन है। पर जिसका पालन करना कठिन होता उसका कर्तव्य नाम होता ही नहीं। कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, व्याकरण इसी तीन पड़ता। करना चाहिए उसका नाम कर्तव्य है, और कर सकते हैं उसका नाम कर्तव्य है, नहीं कर सकते वो कर्तव्य नहीं है, ही नहीं कर्तव्य। कोई कहे तुम्हारे नौकरी करो, हम कहे जैसे करो, हाँ तो हम कर दे, तो इस मकान को उधर धर दो ले जाकर उठा लेगा, नहीं कर सकता। तो उस पर आप हुक्म चलाओ हमारे कहना नहीं करते, अरे भाई होता नहीं हमारे से क्या करें, नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए। जैसे आप झूठ बोल सकते, साची बोल सकते, अच्छा भी काम कर सकते, बुरा भी कर सकते हैं, दूसरों का भला भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, तो उसका बुरा होना करना तो आज की नहीं, हम कर सकते हैं, तो हमारे को दंड मिलेगा उसका बुरा नहीं तो मेरी प्रावदर्शी को नहीं वह भी चलेगा। परंतु हमें नहीं करना चाहिए वह करने में प्रवृत्ति हुई वो हमारे आफत हो जाएगी। इसमें जो आपकी असमर्थता मालूम देती हो, शंका आती हो, संदेह आता हो, बोलो। अगर संदेह नहीं है तो सीधी सीधी बात है, तो अपने मिली हुई सामर्थ्य है, कुछ समर्थ है हम कर सकते हैं, तो आप मिली हुई सामर्थ्य माप तोल की मिली हुई ज्यादा नहीं है, मिली हुई सामर्थ्य का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, ये चीज बात। करने योग्य का नाम कर्तव्य है, और कर सकते हो कर्तव्य है। दो भेद ऐसा कर्तव्य, कर्तुम योग्यम कर्तव्य कृत्य प्रक्रिया का है, इतना तो अच्छा ही है। परंतु सही सही क्या है ना, तो कर्तुम शक्यम और कर्तुम अशक्यम, कर्तुम योग्यम और कर्तुम अयोग्यम, दो भरसा से। तो कर सकते वही करना है, और करना चाहिए वो करना है, करना नहीं चाहिए वो नहीं करना है, और कर सकते ही नहीं तो वो करने क्यों सोचे, उसे कर सकते नहीं वो नहीं करना है। इसमें स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है। मालूम ऐसा होता है कि कर्तव्य पालन कठिन है, परंतु वास्तव में कठिन नहीं है। कठिन दादी क्या बोलो, आप इनसे नहीं हो सके वो करना ही नहीं है, कर सके वही करना है, फिर करना चाहिए वही करना है, नहीं करना चाहिए वो करना ही नहीं है। ये कर्मयोग पूरा आ गया, इसमें कर्मयोग पूरा आ गया, अगर हमारा है उसको हम अपना माने, हमारा नहीं उसको अपना ना माने, ये भक्ति योग आ गया। संसार सही अपना नहीं है ये अपना नहीं माने, और भगवान अपने इस वास्ते अपना माने,
भक्ति योग आ गया। ये ठीक बात है। ऐसी हमने पहले ये समझ रखा था कि भाई भगवान की भक्ति है ये हम कर सकते हैं, पर करनी पड़ेगी, कर्म योग भी करना पड़ेगा। ज्ञान योग है जानना होगा, ज्ञान योग जान नहीं होगा। परंतु फिर विचार में आया कि ज्ञान योग करने के बगैर जानने का भी है, और भक्ति योग करने का भी है जानने का भी है, और कर्म योग करने के बगैर जानने भी है। दोनों बातें तीनों में ही है। पर कर्म योग में कर्म करना खास है। आज वृक्षोर मुने योगम कर्म कारण उचित। जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके कर्म कारण है, तो वहां कर्म करना है। और भक्ति योग में ज्ञान योग में कर्म करने की मुख्यता नहीं है। भक्ति योग में मानने की मुख्यता है, ज्ञान योग में जानने की मुख्यता। जैसे आपकी कन्या उस घर को अपना मानती है, ऐसे हम भगवान को अपना मान। छोरा छोरी लड़ते हैं तो माँ कहती रे भाई बहन सिंह लड़े, आ तो अपने घर जाएगी, तो अपना घर कोई है उसका जो ब्याह दिया अपने घर चलेगी, पहले अपना तुम्हारे था ही नहीं, अंत में तो अपना घर है, वो ही अपना जाना पड़ेगा। ये घर अपना नहीं है। मीरा बाई ने कहा अमरापुर में सासरो, तो अपना घर तो सासरो ही अपना घर होता है, और पीर संतों पास, पीर संतों के पास है। अरे फिर जगाओ से गाँव मीरा दास, फिर नहीं आएंगे आप अपने घर चलेंगे, पीछे क्यों आएंगे। तो पीर में क्या होता है कि कन्या योग्य बनती है, लायक बनती है। तो संत महात्माओं के पास ये जीव परमात्मा के लायक बनता है, योग्य बनता है, ये पीहर है। और ससुराल तो भी परमात्मा है, अमरापुर में सासुरो है, यार पीहर संतों पास। फिर ऋण जी गाव संग गावे मीरा दास, अपने घर से लेके अभी क्यों आएंगे दूसरे घर। ये बात तो हमारा असली घर तो है परमात्मा, ये है अपना पीहर। और ये घर अपना नहीं है, अपने रहते हैं, और उस ससुराल के लायक हम बन जाए, योग्य बन जाए। योग्य बनने के लिए सत्संग है, सत्संग करने से हम परमात्मा के लायक बन जाते हैं। ऐसे हम अभी भगवान को मान लें तो योग्य बन जाएंगे। अभी मान लें कि हम भगवान के भगवान है हमारे, भगवान ना कहते अभिचेत सु दुराचारो बलते मामले नहीं भाग, मैं तो भगवान का ही हूँ, दुराचारी दुरा मान ले तो उसको अधिकार है। क्यों भगवान का है, भगवान का है, भगवान का मान तो इसमें क्या बात है, अधिकार है। बेटा बेटा ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। अब वो कपूत्र सपूत दो अपने पूत तो है ही, कपूता ही मिटा लो बस ठीक हो जाएगा, सबूत हो जाएगी। तो कबूतर मिटाना ये सत्संग स्वाध्याय आदि परमात्मा का भाई, सीधी बात। तो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे, सबूत हो जाएंगे क्या सर। कबूतर तो वो ये है कि नहीं कर, नहीं कर सकते उसको भी सकते हैं, करेंगे आ कर सकते नहीं, और नहीं करना चाहिए वो करना शुरू कर देते हैं, इससे गर्मी होती है। इसमें जो शंका पैदा हो आप बोलो, आप अपने जीवन को सामने रख करके तोलो, और ये नहीं बनता तो बोलो। मौके में ऐसे खड़े जाते
क्या है, परिस्थिति ऐसी सामने आ जाती है जो कार्य नहीं करना चाहिए वो करना पड़ जाता है। अब बताओ आप ऐसे नहीं, गोल मोल नहीं बताओ ऐसे वक्त पर आ जाती है बात। सच बोले तो हमारा पैसा नष्ट हो जाता है, या झूठ बोलना चाहिए नहीं और झूठ बोलना पड़ता है, यूं लाओ सामने गोलमाल बात कैसे, गोलमाल से गोल उत्तर है कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए करना चाहिए, ये उत्तर हो जाएगा। अब कोई रुपया मांगने के लोग आया, अब उसका देवड़ा ठीक नहीं है, अब उस रुपया नहीं है कहें तो झूठ होता है, है कहें तो देना पड़ता है, अब बोलो क्या करें, यू सामने लाओ सामने परिस्थिति, अटकल मत लगाओ, अपने को सामने रख, हम कहाँ किस परिस्थिति में कैसे कैसे हम करते हैं चलते हैं, ऐसी परिस्थिति लाकर सामने रखो, उत्तर जरूर मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए महाराज? कैसी परिस्थिति? अगले का दिवाला निकला हुआ, पैसा मांगने के लिए आता है। दिवाला निकला नहीं, दिवाला बुरा है लेकर। हाँ जी हमें निकला नहीं गया, दिवाला बुरा है। दिवाला बुरा है, मानो वो दे को नहीं भगत पर अब क्या करें, दे देंगे तो फिर जाएंगे, रुपये देगा नहीं है तो क्या करें, रुपये नहीं है कहें तो झूठ हो जाए, है तो कहते हो क्यों नहीं, तो कहते देखो भाई रुपया पैसा है हरदम काम आता है, हमारे जरूरी है बात, अब और दे नहीं सकते, क्या हटवा क्या खराब हुई, रुपये मन चाहिए ज्यादा है नहीं, ज्यादा है क्या, कोई मन मार्गन ज्यादा है, माने ही नहीं है, ज्यादा तो है नहीं, मार घर चलाऊंगा देने का विचार नहीं, बोलो ऐसा करने से गुंडा लगा देता है, गुंडा लगा देते, क्या लगा दे, वो गुंडा के लिए लगा देता है, गुंडा के लिए लगा दे, चलो भाई देखो अपने धर्म का पालन करने में कष्ट सेना तप है, डर चल देते हो तो वो आपका कर्तव्य नहीं है, डरना क्यों चाहिए, देखो डरने की बात बताऊं आपको, हम गलती करते हैं तो वहां डरना चाहिए, हम गलती नहीं करते हैं इस बात को याद रखो कि हमने गलती नहीं की है, हम गलती नहीं करते हैं, इस बात पर आप निर्भर हो जाओगे, अभी आपकी समझ आवे नहीं आवे पता नहीं है, डर उसी का लगता है जो हम गलती करते हैं, रावण जैसे को डर लगा सीता जी की चोरी करने के, रावण बस भरती नर नारी सब इतना बड़ा भाई था, वो भी डरता है न करने लायक, तब है करने लायक ही हम करते हैं, अब डरने की जरूरत न करने लायक नाम कर न करें, करने लायक काम करें तो हम करने लायक करते हैं, इस बात की तो भी ध्यान दो, नित्र को जाओ डर मुझ जाएगा, डर किस बात का, हम करते नहीं हम ठीक करते हैं, अपने कर्तव्य के ऊपर दृष्टि रखने से भय मिट जाता है। नारायण 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 खूब मनन करो फिर पूछो, गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय रविवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 7 मई 1989 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम राम राम।